हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइस में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतर, बहुत ही उम्दा प्लान जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। 30x40 का ये प्लान है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 30 फीट है और लंबाई इसकी 40 फीट है। आइए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर इंट्रेंस है, ये आपका फ्रंट इंट्रेंस है। यहाँ से जब आप अंदर जाते हैं तो ये दरवाज़ा मैंने रखा है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर ये डिज़ाइन गांव के लिए किया गया है, गांव में ज़्यादातर लोग दरवाज़ा पसंद करते हैं। तो ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा का डिज़ाइन है। आपको दरवाज़ा से अटैच आपको गेस्ट रूम है, ये आपको गेस्ट रूम है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कभी भी खास के पेंटिंग के टाइम में अगर आप पेंटिंग करवाते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखें। ध्यान ये है कि जिस तरफ आपके बेड का सर होता है, यानी आपका सर होता है, तो उस तरफ ये चीज़ का ध्यान दें कि हमेशा डिफरेंट कलर या डिफरेंट आर्ट किसी भी तरह का आप करवा सकते हैं, जो आपको देखने में बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ आप दरवाजे के बाद जो आते हैं, ये आपका लिविंग हॉल है। यहाँ आपका ये लिविंग हॉल नज़र आ रहा है जो हम पहुँचते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ टाइल्स का डिज़ाइन किया है, तो मैंने जहाँ तक ये टाइल्स एरिया एक ही है, बस मैंने इसको टाइल्स के अकॉर्डिंग दो भाग में बांट दिया है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिविंग हॉल है, लिविंग हॉल से जब आप इस तरफ आते हैं तो मैंने यहाँ पर डाइनिंग एरिया रखा है। आप डाइनिंग हॉल कर लीजिए या लिविंग, दोनों को आप मिला के कहते हैं, डाइनिंग प्लस लिविंग हॉल दोनों ये कहलाएगा। तो यहाँ पर मैंने टाइल्स का कलर कुछ वुड टाइप में पकड़ा। वुड टाइप में पकड़ने का सबसे बड़ा रीज़न होता है ख़ास के डाइनिंग एरिया में, कि जब आप टेबल का यूज़ करते हैं डाइनिंग एरिया में, तो ख़ास कर लोग लकड़ी का टेबल लगाना पसंद करते हैं या बनवाना फर्नीचर का कोई भी कलर के साथ, आप इसका कम्बिनेशन इंटीरियर में अच्छा लगता है देखने में। आइए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ डाइनिंग से अटैच, जो अटैच ही कह लीजिए आप, किचन है, क्योंकि यहाँ खाना बनने के बाद यहाँ खाना लगाने में इजी होता है। और डाइनिंग एरिया में हमेशा कोशिश की जाती है किचन के नियर ही उसको डिज़ाइन किया जाए। तो यहाँ पर आपको ये किचन के नियर डाइनिंग एरिया हो गया। यहाँ पर बस किचन का मैंने थोड़ा बहुत इंटीरियर डिज़ाइन पकड़ा है। आप चाहिएगा, अगर इसमें सजेशन लेना चाहते हो, तो आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करें। अगर आपके पास किसी तरह का किचन है, उसमें आप इंटीरियर करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें। मैंने यहाँ हल्का फुल्का बस डिज़ाइन पकड़ना है कि देखने में वो सही लगे। आइए आते हैं वीडियो की तरफ, आगे बढ़ते हैं। ये आपका पैसेज एरिया है। जब आप यहाँ से आते हैं तो यहाँ एक बेडरूम है, ये वाला बेडरूम, और यहाँ दूसरा बेडरूम है। यहाँ मैंने कॉमन बाथरूम को इस तरफ रखा है। ये आपका कॉमन टॉयलेट प्लस बाथ दोनों हैं, जहाँ मैंने दिखाया भी है। ये आप देख लीजिए, जो इंडियन सीट कहलाती है वो, और यहाँ पर शावर मैंने दिखाया है, ये आपका हो गया। और जब आप, एक चीज़ आपके माइंड में होगी कि स्टेयर ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे सेंटर में रख सकते हैं, अगर स्टेयर चाहते तो हम दूसरी तरफ भी रख सकते थे। दूसरा रूम है, और दूसरे रूम से अटैच ये बाथरूम है। एक अटैच बाथरूम है और एक कॉमन बाथरूम है। इस घर में टोटल दो बाथरूम है। आइए अब खास के ये चीज़ आपके माइंड में होगी कि मैंने यहाँ पर स्टेयर क्यों शिफ्ट की, ये भी बात सही है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टेयर रखने का सबसे बड़ा रीज़न था, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, कि रिक्वायरमेंट नहीं कही, रिक्वायरमेंट थी, इकोनॉमिकल कंडीशन की रिक्वायरमेंट थी, कि अगर स्टेयर का डिज़ाइन या किसी इस तरह से आपको घर का डिज़ाइन करना है, कि वो फिलहाल कास्टिंग पूरी नहीं करवाना चाहते हैं, वो हाफ कास्टिंग में ही चाह रहे थे कि उनके यूज़ की टोटल चीज़ आ जाए। यूज़ में किचन आता है, मिनिमम टू रूम और एक अटैच कॉमन बाथरूम मैंने यूज़ में लिया। तो यहाँ पर स्टेयर देने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि अगर स्टेयर मैं अप्रॉक्सीमेटली, अब मान लीजिए कहीं भी मैं पकड़ता, कहीं भी स्टेयर पकड़ता, तो उसके लिए मुझे स्लैब की अलग से कास्टिंग करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे जो इतना एरिया आप देख रहे हैं, वहाँ पे मैं एक कास्टिंग में काम चला सकता हूँ। देखिए वो कैसे, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ से, यानी ये जो आप पेंसिल देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, यहाँ तक का, ये देखिए, मैं एक बार में कास्टिंग करवा सकता हूँ। तो अब आपको समझ में आया कि स्टेयर देने का वहाँ पे रीज़न सबसे बड़ा क्या था, कि उनको यूज़ के लिए आपको एक बेडरूम, एक बेडरूम ये, स्टेयर, किचन और एक कॉमन टॉयलेट, एक अटैच इस रूम का टॉयलेट। तो ये टोटल चीज़ें एक जगह
आगे जो आप आराम से हाफ कास्टिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी शिफ्ट में कास्टिंग करवाना हो तो उसका कुछ टेक्निकल टर्म होता है, मैं आपको ज़रूर वीडियो में आगे बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं दूसरे वीडियो में, जो मैं स्लैब के बारे में आपको बताऊंगा। आइए मैं बढ़ता हूँ वीडियो की आगे। यहाँ तक कि अगर आप लेआउट में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़े, कॉन्टैक्ट नंबर दें, मैं आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करूँगा। आइए मैं इसका कुछ एलिवेशन दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने जो इसके एलिवेशन पर काम किया है, ये आपके पास एलिवेशन है, ये एलिवेशन प्लान है इस घर का मैंने पकड़ा है। अगर आप इस पर और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाए तो डिज़ाइन और चेंज होगा और अच्छा देखने में लगेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का ही प्लान पकड़ा है। आइए एलिवेशन प्लान में मैं आपको दिखाता हूँ। एलिवेशन प्लान में मैंने ख़ास के जो सबसे जो ग्रामीण एरिया होता है वहाँ सबसे अच्छा जो आपको यूज़ करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है, यहाँ पर आप पोर्टिको डिज़ाइन पकड़ सकते हैं। आप किसी भी डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं, अगर आपके पास इंजीनियर एलिवेशन प्लान नहीं दिया है तो एक कॉमन सा आप पोर्टिको डिज़ाइन पकड़ सकते हैं सर्कुलर कॉलम के साथ। यहाँ सर्कुलर कॉलम आप देख कर पोर्टिको डिज़ाइन पकड़ सकते हैं जो आपको देखने में अच्छा लगेगा बहुत ही। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ विंडो दिखाई थी, ये आपके गेस्ट रूम की विंडो है, यहाँ मैंने 4x4 की विंडो पकड़ी है। ये आपका मेन गेट है और यहाँ की विंडो थोड़ी बड़ी इसलिए क्योंकि ये दरवाजे की विंडो है, तो दरवाजे को अगर आप चाहते हैं ओपन रखना है तो ओपन भी रख सकते हैं। जहाँ तक आप हाफ ब्रिक वर्क के बाद आप आयरन सेक्शन का काम करा सकते हैं, स्टील सेक्शन का काम किसी भी तरह का आप काम करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने पैक इसलिए रखा कि आप घर में जो लेडीज़ है वो भी उस जगह को यूज़ में वो जगह आ सकती है प्रॉपर। और आइए यहाँ इसका साइड से मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ जो देखने में, कलर कॉम्बिनेशन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखें। इस घर में और भी एक डिज़ाइन मैंने बहुत ही बेहतर कोशिश किया बनाने की, ये मैंने स्टेयर का डिज़ाइन पकड़ा था। ये स्टेयर का जो सीढ़ी घर कला था मैंने इसका डिज़ाइन पकड़ा था, और इसके नीचे मैंने एक गेट रखा था जो इस घर का दूसरा गेट था। यहाँ मैंने आपको स्टेयर का आप देख सकते हैं, आप करवा भी सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के स्टेयर डिज़ाइन के लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट छोड़िए। यहाँ मैंने ब्रिक वर्क का टोटल काम पकड़ा है। यहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको पसंद, या तो आप स्टील सेक्शन का काम करवा सकते हैं पाइप का, या आप इसमें ग्लास का काम करा सकते हैं। ग्लास का काम मुझे ज़्यादा पसंद है और ग्लास का काम ही इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने इसके अंदर किसी भी तरह का डिज़ाइन नहीं दिया कि आपकी रिक्वायरमेंट के भी अकॉर्डिंग जाना चाहिए। तो इसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों ही अच्छा खूबसूरत लग रहा है देखने में। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्लान में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट छोड़ें। और यहाँ मैं आपको टॉप व्यू से भी दिखाता हूँ इसका, जो टॉप व्यू मैंने पकड़ा है ये आपका इसका देखिए, इस सेक्शन से आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को और भी दोस्तों को भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।